नमस्कार सर, क्या नाम है सर आपका? नमस्कार सर, मेरा नाम मंगलपुरी है सर। मंगलपुरी। आप कहाँ रहते हैं सर? सर मैं नॉर्थ तहसील सरकसर गांव में रहता हूँ। तो आपके जो कंधे में चोट लगी है, तो हाँ जी वो कैसे लगी है आपके? चोट सर, ये क्रिकेट खेलते वक्त लगी थी ये चोट मुझे। हाँ क्रिकेट खेलते वक्त लगी थी। क्रिकेट तो खेलते वक्त कौन से कंधे में लगी थी सर आपको? लेफ्ट शोल्डर में लेफ्ट शोल्डर में। तो उसके बाद फिर आपने क्या किया सर? सर। मैंने ये डॉक्टर सर दिखाया, डॉक्टर के बाद सही नहीं हुआ, फिर मैं जयपुर आया। तो रावत सर में जो आप बता रहे हो सही नहीं हुआ है, तो हाँ जयपुर आने का क्या कारण रहा? क्योंकि आपको वहाँ फ़ायदा नहीं मिला या आपने इलाज प्रॉपर नहीं लिया, ऐसा क्या कारण रहा कि आप वहाँ के इलाज से संतुष्ट थे या नहीं थे? ऐसा क्या कारण रहा कि आप जयपुर आए? सर, पिछले 3 सालों में लगातार उतर रहा था। तो मैं नोट दिखाया तो नोट वाले डॉक्टर ने बोला कि आप जयपुर जाइए और इसका ऑपरेशन कराइए। अच्छा, वहाँ के डॉक्टरों ने आपको हाँ बोला हम कि लोग, वहाँ जयपुर जाके आप दिखाओ, हाँ इसकी सर्जरी कराइए, वहाँ इसका सफल इलाज होगा। फिर ठीक मैं है। जयपुर तो आया और जयपुर आकर, आपको जैसा आप बता रहे हैं कि आप जयपुर आए, तो जयपुर में तो बहुत सारे डॉक्टर हैं, तो आपको डॉक्टर रजत जिनसे आपने इलाज करवाया है, उनके लिए आपको किसने राय दी है? सर मैं राय महात्मा गांधी हॉस्पिटल में आया, वहाँ आकर मैंने, तो महात्मा गांधी हॉस्पिटल ऐसा तो नहीं है कि जयपुर में बहुत सारे हॉस्पिटल हैं, आप ऐसा तो है नहीं कि आपको महात्मा गांधी का नाम वहाँ से नोट से याद था तो आप सीधे महात्मा गांधी आ गए, ऐसा किसी ने बताया होगा तभी आप महात्मा गांधी आए होंगे डॉक्टर रजत के बारे में? हाँ सर महात्मा गांधी के रिजल्ट मैंने सुने, टेलीविजनों में देखे, तो इसके रिजल्ट बहुत अच्छे आए। फिर मैं यहाँ पर आया, डॉक्टरों से सलाह ली, तो मुझे किसी सर ने बताया कि आप रजत सर से करवाइए ऑपरेशन। फिर मैंने रजत सर से ऑपरेशन करवाया। तो जैसे आपने बताया कि साहब मुझे किसी सर ने बताया, तो महात्मा गांधी में तो जैसे आपने बताया कि डॉक्टर रजत के लिए आपको कहाँ सर्जरी के लिए, और आपने उनसे सर्जरी भी करवा दी, तो आपको कैसे पता कि डॉक्टर रजत से ही, किसी कहने में आप, किसी ने बोला कि आप डॉक्टर रजत से कराएं, तो आपने कोई तो उनका एक्सपीरियंस देखा होगा या आपने कोई क्वालिटी देखी होगी, कुछ तो ऐसी स्पेशलिटी देखी होगी तभी आप डॉक्टर रजत के पास गए? हाँ सर, रजत सर के रिजल्ट मैंने देखे होंगे पहले टेलीविजनों में, वो सुनी बात उसकी सर्जरी की, तो अच्छा उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे थे। हाँ अच्छा अच्छा उन सबको देख के आप महात्मा गांधी आए? महात्मा गांधी आए। ओके ठीक है। तो फिर आपने जैसे फर्स्ट टाइम आप डॉक्टर रजत को दिखाने गए, तो मन में बहुत सारे सवाल आए होंगे कि मैं डॉक्टर को दिखाने जाऊंगा तो मुझे क्या क्या बताना है, कैसे बताना है, और उसके बाद डॉक्टर सर्जरी करेगा या नहीं करेगा, या सर्जरी नहीं करेगा तो दवाई से ठीक होगा, या अगर सर्जरी करेगा तो कितने दिन ठीक होने में लगेंगे। कई बार जैसे कई लोग या आसपास के लोग या पुराने जिनके शोल्डर इंजर्ड हुए हैं, तो उन लोगों के एक्सपीरियंस को देखते हुए आपके मन में 10 सवाल उठ रहे होंगे, तो जब आप डॉक्टर रजत से मिले तो कैसा लगा आपको उनसे मिलने के बाद? सर मैं तो रजत सर से मिला पहली बार, तो रजत सर ने, मैंने बोला कि रजत सर जी आप मुझे पहले 10 दिनों की दवाई दे दीजिए। सर ने बोला कि आप सर्जरी करा लो, ऐसे सही नहीं होगा। फिर मैंने सर्जरी कराई सर से, सर्जरी के बाद भी बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है सर। तो ऐसा तो नहीं है कि आपको डॉक्टर रजत ने कहा कि आप सर्जरी करा लो, आप तैयार हो गए, आपके मन में 4 सवाल आएंगे तो आपने डॉक्टर साहब से पूछा होगा कि डॉक्टर साहब सर्जरी के बाद मेरे को फ़ायदा आएगा या नहीं आएगा, या आएगा तो कितना आएगा, वो नहीं आया तो फिर आगे का क्या प्रोटोकॉल्स रहेंगे, आते हैं ना 5 सवाल, तो हाँ उस चीज़ को लेके आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा डॉक्टर रजत को लेके? ये तो सर मेरे मन में था कि सही होगा या नहीं होगा, कि पहले नंबर खराब हो जाएगा, वैसे तो मेरे मन के सवाल थे, लेकिन सर जी ने बोला कि आप बात पूरा तैयार हो जाएगा। अच्छा, मतलब आपने, उन्होंने आपको पूरा कॉन्फिडेंट किया कि आप निश्चिंत रहिए आपका हाथ पूरा हाँ ठीक हो आप जाएगा। बात सही हो अच्छा, जाएगा। जो उनका कॉन्फिडेंट था आपको लेके, सर्जरी को लेके, उनका जो एक्सपीरियंस था, वास्ट एक्सपीरियंस था शोल्डर की सर्जरी को लेके, जैसा आपको उन्होंने कमिटमेंट किया था, तो उनके कमिटमेंट से आप खुश हैं? मतलब उनके कमिटमेंट पूरे हुए हैं या नहीं हुए हैं आपको? बिल्कुल खुश हूँ सर मेरे से। मतलब जैसा आपको डॉक्टर ने उनको कमिटमेंट किए थे कि आप 100% ठीक हो जाओगे, तो वो कमिटमेंट सही है, मतलब आपकी नज़र में ऐसा हाँ सर मेरी नजर में सही है, बिल्कुल सही है, तो आपका हाथ अब ठीक है आप? सही सर। अब 3.5 महीने हो चुके हैं। फिर रजत सर ने मुझे आशीष जी के पास फोन भेजा एक्सरसाइज के लिए, फिर आशीष सर ने मुझे तो एक्सरसाइज, सर्जरी जब आपने करवाई तो कितने दिन बाद आपको सर ने फिजियोथेरेपी के लिए बोला? सर ये तो
मतलब जब आपकी सर्जरी हुई उसके कितने दिन बाद आपको फिजियोथेरेपी के लिए सर ने बोला? ऐसा तो नहीं कि आप सर्जरी कल आपको सर ने फिजियोथेरेपी के लिए बोला होगा, मतलब कितने दिन बाद फिजियोथेरेपी आपकी स्टार्ट कर गई? ये सर 20 दिनों के बाद में। 20 दिन के आपने स्टार्ट कर गई। हाँ, 20 दिन। अच्छा, जो आपका फिजियोथेरेपी जब आपकी स्टार्ट हुई और जो आपका ऑपरेशन के बाद पहला दिन था, वो उस 20 दिनों के अंदर आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा सर्जरी को? सर पहले ऑपरेशन के 15-20 दिन थे, वो तो बहुत कठिन टाइम थे, लेकिन कठिन धीरे था, धीरे मतलब जैसे दिन उसमें बढ़ता क्या गया, क्या, समस्या मतलब कठिन थे आप कह रहे हो, क्या क्या समस्याएं लगी आपको सर उठने में, बैठने में थोड़ी तकलीफ होती थी, थोड़ा उसके दर्द होता था, लेकिन जैसे जैसे 10-15 दिन निकले, 15 दिन निकले, 20 दिन निकले, अंदर? वैसे वैसे आपके दर्द फिर कम होता बाद चले दर्द कम गए। होता गया और एकदम जैसा हाथ वैसे वो ऑफिस प्रक्रिया लौटने लगी धीरे धीरे। ठीक है। अच्छा, आपने अपने खान पीन का पूरे अच्छे तरीके से ध्यान रखा होगा जैसा आपको डॉक्टर ने बताया होगा सर्जरी के बाद, तो आपको सर्जरी के बाद मतलब कोई समस्या नहीं आई जैसा आप बता हाँ सर, कोई समस्या नहीं है दूसरी सर्जरी के रहे बाद हैं? में। ठीक है, तो आज आपको कितने महीने हो गए आज आपको? हाँ, 3.5 महीने हुए सर। ठीक है, 3.5 महीने हो गए, तो 3.5 महीने आपको हो चुके हैं, तो आज आप कैसा फील कर रहे हैं? आप सर, मैं बहुत बढ़िया फील कर रहा हूँ, दोनों सरों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, रजत सर को और आशीष सर को धन्यवाद देना चाहता हूँ तो एक मैं। बार आप हाथ उठा के दिखाएं कैसा लग रहा है। बहुत बढ़िया। ठीक और पहले ऐसे नहीं होता था सर। है, साइड में उठा के दिखाइए। ठीक है, तो आप यहाँ के स्टाफ को और डॉक्टर रजत को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये देना चाहता हूँ कि स्टाफ बहुत बढ़िया है, पूरी मेहनत से काम करते हैं, पूरी लगन से काम करते हैं, अपने परिवार मानकर काम करते हैं साथ। ठीक है, और जो मरीज इस समस्या से ग्रसित है उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जो कंधे की चोट या एक या दो, दो या दो से अधिक बार हो चुकी हो, उसको मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि वो डॉक्टर की सलाह लें और जो डॉक्टर कहे वो करें। मतलब आप खुश हैं ना हाँ, मैं खुश हूँ साहब, अच्छे तरीके से? बिल्कुल खुश हूँ मैं।